नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। हम लोग इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। अयोध्या में इस समय भव्य तैयारी चल रही है और दिल्ली में भी काफी उत्साह है और उसको लेकर तैयारियां बहुत जोरों से चल रही है। इसी बीच हम लोगों के बीच में है कुछ वरिष्ठ जन है, उनसे पूछेंगे कि किस तरह का उत्साह उनके में है और क्या क्या तैयारियां हैं कल को लेकर के। क्या लग रहा है, इतने दिनों से जब इंतजार था, इतने दिनों से 500 सालों का इंतजार बताया जा रहा पूरा होने जा रहा है, आखिर इतनी देरी क्यों हुई? अब तैयारी कैसी चल रही है? अब तैयारी बढ़िया है और कर्म से परमपिता परमात्मा की कृपा से जो भी हो अच्छा है। अच्छा, इतना विलंब क्यों हो गया है सब करने में? हमारे जो विपक्षी दल थे उनके कारण ये विलंब हुआ है। अच्छा। जो आज तक सोते रहे हैं, अभी हिंदू जागा है और मोदी जी की कृपा है जो कि आज ये दिन हमें देखने को मिला है। अच्छा, आपने सुना होगा अभी उन्हें न्योता दिया गया था प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाने के लिए, उन्होंने मना कर दिया, तो क्या लगता है ये सब क्या है, क्यों मना किया जा रहा है? राजनीति है। हाँ। वो राजनीति से प्रेरित है इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। किस तरह का उत्साह है अभी? बहुत जबरदस्त उत्साह है। हम एक ही बात कहना चाहता हूँ मैं, हर घर दीप जलाएंगे, श्री राम को लाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। हर जगह वही मोदी जी की बहुत कृपा है जिन्होंने हमें मौका दिया है हिंदू को जलाने का, दिवाली मनाने का। हमने सब हर घर में कहा है कल सभी हर घर में 5 दीपक जलाएंगे मोदी जी कहने पर, और हम दोबारा दिवाली मनाएंगे। किसी का प्रोग्राम मारे हो रहे हम। मोदी जी ने सबको छुट्टी भी दिया 22 तारीख को कि आप लोग मनाइए। हमने भी कहा भाई सबको छुट्टी करो घर में, और सब भजन कीर्तन हमारे मंदिर श्रीनिवासपुरी से मैं हूँ, और हमारे श्री सीता माता मंदिर के अंदर हम लोग कल सुंदरकांड का पाठ भी कर रहे हैं वहाँ पर, और हम लोग पूरे पूर्ण मन से जो है इसको दिवाली मनाने के हैं मोदी जी का बहुत। लेकिन दिल्ली में तो सुंदरकांड कराया जा रहा है, केजरीवाल बोले हम सुंदरकांड करवाएंगे। हम नहीं जानते किसी के, हम मोदी जी को जानते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी जब ये जब 22 इधर आ जाओ। किस तरह की तैयारी कल के लिए रखी हो? कल का दिन बहुत बढ़िया है, हमारे को बहुत मजा आएगा। कल आतिशबाजी करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे, लाइट शो है, डांस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, ये मंदिर बन रहा है तो किसके चक्कर में बन रहा है, कौन इसका सबसे पीछे वजह कौन है, कौन बना सकता है इस मंदिर? मोदी जी और योगी जी। हमारे तो राम है, राम हमारे। लेकिन वो भी तो बोलते थे कांग्रेस वाले हम भी बना सकते थे मंदिर, हम कहते थे वो कहती रह गए, कहती रह गए। कहने में और करने में बहुत फर्क है, जिनको करना होता है वो करते हैं, जो कहते हैं वो कहते ही रह गए। जंगल का राजा एक ही होता है, वो है मोदी जी। 70 साल का इंतजार आज खत्म हुआ है। आज से पहले अगर 70 साल पहले मोदी होते तो 70 साल पहले ये मंदिर बन गया होता। यही कारण है, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति बहुत ज्यादा हो गई है, जब तक ये राजनीति खत्म, अब हिंदू जागा है। 70 साल पहले बड़ी मुश्किल थी कि हिंदू जागा नहीं। क्या बोला, रामराज की वापसी हो गई? रामराज की वापसी हो गई, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। बस हमारे हिंदुस्तान में राजनीति कारण हिंदू राष्ट्र बन गया। अच्छा, हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। हिंदुस्तान में राजनीति बहुत बड़े लेवल पे चल रही है और ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म के मामले में मैं कहता हूँ कि धर्म के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी, चक्रवर्ती सम्राट बनने के हैं, चक्रवर्ती सम्राट बनने का उनके हाथ में आज योग है मोदी जी के, जो आज पूरे हिंदुस्तान में पूरा भ्रमण कर रहे हैं और भगवान और इतने दिन से व्रत। भगवान राम एक के ही नहीं है, सबके अंदर राम है, भगवान राम सबके हैं, भगवान राम सबके हैं, लेकिन कुछ लोग भगवान राम सबके हैं, लेकिन कुछ लोग तो मना कर रहे हैं हम नहीं जाएंगे। वो उनके मन की मर्जी है, उनके दर्शन ही नहीं है, उनको आना पड़ेगा आज नहीं तो कल राम मंदिर में आएंगे और सब दंडवत करके जाएंगे। और कुछ है जो दिल्ली अयोध्या में सब कुछ प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, लेकिन दिल्ली में बहुत ही मतलब एक अच्छा माहौल है, लोगों के अंदर यही है कि हम अयोध्या बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं और हम भी जाके वहां पे अपने सिर झुकाएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।